आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में बन रहा है। आने वाले त्योहारों के अवसर पर, अभी दिवाली का अवसर है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी कहा कि वोकल फॉर लोकल में हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो आर्टिजन्स हैं, उनके द्वारा बनी हुई चीज़ों को हम वोकल फॉर लोकल में लेने का प्रयास करें। और आज मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, उनके आह्वान पर, दिवाली के त्यौहार पर भी अपने लोगों के द्वारा बनी हुई चीज़ों को खरीदना आज एक फैशन बन गया है भारत के अंदर। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। एक बड़ी बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, डिजिटल फ्रॉड, और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आगाह किया है, आप अलर्ट रहिए, डरिए मत, सोचिए, और उसके बारे में आप रुकिए, सोचिए, और उसके बाद फिर एक्शन करिए। ये एक बड़ा अवेयरनेस माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के नौजवानों से लेकर के सब लोगों के लिए कहा है कि कई प्रकार के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोग उलझ जाते हैं, लोग डर जाते हैं, और लोग उनके मकड़ जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इन बातों का उल्लेख किया है और लोगों को आगाह किया है, और लोगों को सजग बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। कल्चरल ब्रिजेज आज बने हैं देश के अंदर, दुनिया आज भारत की संस्कृति पर काम कर रही है। कई देशों के उन्होंने नाम लिए, पेरू से लेकर के और भी कई स्थानों पर, आज रामायण से लेकर के इन सारी चीज़ों के जो मंचन होते हैं, वहाँ के लोग भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आगामी आने वाला समय, सर्दी का समय, फिट इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अपने परिवार को, अपने लोगों को, नौजवान आज फिट इंडिया के इस अभियान में सम्मिलित होकर के अपने आप को स्वस्थ बनाएं। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, तो हम देश के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख मन की बात के अंदर किया।